हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाला जेई। सो गाइस, लाखों की संख्या में बच्चे 10th के बाद IIT जेई कोचिंग करते हैं। और यार, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10th के बाद कोचिंग करने से जो 11th 12th का रिजल्ट होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो यार, ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझको IIT जेई की तैयारी 10th के बाद करनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर मैं कर रहा हूँ तो कैसे तैयारी करूँ कि मेरा जो 11th 12th है वो बिगड़े नहीं, बर्बाद ना हो। लेकिन ऐसा हर साल लाखों की संख्या में बच्चों के साथ होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या करना है, किस बच्चे को कोचिंग करनी है, किस बच्चे को कोचिंग नहीं करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई बच्चा है जो अपना 10th पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब वो 10th पास कर रहा है तो उसका कोई ना कोई बोर्ड होगा। मे बी हो सकता है वो CBSE बोर्ड से हो, मे बी हो सकता है वो ICSE बोर्ड से हो, मे बी हो सकता है वो किसी स्टेट बोर्ड से हो। तो देखो, बच्चा किसी भी बोर्ड से हो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अब चेक क्या करना है वो देखने की बात है। देखो, चेक ये करना है कि बच्चे के जो फिजिक्स में मार्क्स हैं, जो केमिस्ट्री में मार्क्स हैं, उनको पहले देखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उसमें उस बच्चे के मार्क्स क्या है देखने हैं। अब मार्क्स देखने के बाद करना क्या है, मार्क्स देखने के बाद आपको चेक करना है क्रॉस क्वेश्चन के थ्रू, क्या वास्तव में उस बच्चे के जितने मार्क्स हैं क्या उतना उसको आता है कि नहीं। क्रॉस क्वेश्चन के थ्रू आपको चेक करना है जितने उसके मार्क्स हैं क्या उसको आता है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चेक करेंगे कि उस बच्चे को उतना आता है कि नहीं, तो फिर भाई मार्क्स तो बता ही रहे ना कि बच्चे को आता है तभी तो मार्क्स आए हैं। नहीं, देखो एक्चुअली होता क्या है कि कई बार एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, रट्टा मार लेता है। और जब वो रट्टा मार लेता है, चीज़ों को लर्न कर लेता है, याद कर लेता है, तो उसके मार्क्स आ जाते हैं। तो मार्क्स के बेसिस पर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोचिंग उसको करना चाहिए। कई बच्चे हैं जो 90% लिए होते हैं, 94% लिए होते हैं 10th में, लेकिन 11th 12th उनका भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज इस चीज़ का क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चेक करना है कि भाई स्टूडेंट ने रट्टा मारा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई स्टूडेंट ही इस वीडियो को देख रहा है तो भाई चेक कैसे होगा। तो यार, तुम्हारे पास तुम्हारे स्कूल के टीचर्स होंगे, तुम्हारे बड़े भाई बहन होंगे, या तुम्हारे आस पास पड़ोस में कुछ लोग होंगे, तो यार उनसे कहो कि भाई तुमसे केवल क्वेश्चन पूछे फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ में, तुम देखो यार तुम कितने आंसर कर पा रहे हो। आप देखो, जिस बच्चे ने समझा होगा, जिस बच्चे ने समझा होगा तो उसको वो चीज़ क्या है हमेशा माइंड में क्या करेगी, क्लिक करेगी, और माइंड में क्लिक करेगी तो वो क्या तुरंत ही आंसर दे पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोचिंग किसको करनी है, कोचिंग उस बच्चे को करनी है जिसने चीज़ों को समझा है, उसके बाद याद किया है, और वो कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुमसे फिजिक्स में फोर्स का फॉर्मूला पूछा है, तुमसे मैंने केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन पूछी है जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तुमसे मैंने मैथ्स में कोई फॉर्मूला पूछा है, तो यार वो चीज़ें तुमको आनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा बेसिक पार्ट है। अगर वो चीज़ें भी नहीं आती होंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखो, क्वेश्चन आना अलग बात है। देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम क्वेश्चन कोई नहीं कर पाते, तो यार एक दो क्वेश्चन को लेकर इशू नहीं बनाना है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जो तुमको फॉर्मेट्स वगैरह हैं जो याद होने ही चाहिए, तो वो चीज़ें तो तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चंस कैसे डाइवर्ट करता है, क्वेश्चन के कितने कितने टाइप बन सकते हैं, क्या तुमने उस तरीके सोचा है कि नहीं। अगर सोचा है तो डैट मीन्स तुम जा सकते हो कोचिंग के लिए।
और अगर नहीं सोचा है तो मैं 11th 12th की सिर्फ तैयारी करूँ, IIT JEE को अभी थोड़ा क्या है प्लान ड्रॉप करो, 12th कर लो उसके बाद ट्राई करना फिर। तो ये तो बात हुई कोचिंग किसको करनी है। अब देखो इसके बाद बात आती है, अब जो बच्चा एडमिशन ले लेता है कोचिंग में, अब 11th 12th के साथ वो कैसे एडजस्ट करेगा। तो देखो इसके लिए तुम्हारे पास दो रास्ते, मैं तुमको बताऊंगा, तुमको मैं दो रास्ते बताऊंगा, तो थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो इसके लिए तुमको मैं क्या दो रास्ते बताऊंगा, थोड़ा इरेज कर देते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देखो दो रास्ते में दोनों रास्ते तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अब वो तुमको सोचना है कि तुम्हारी कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो पहला रास्ता देखो क्या है, जैसे कोई बच्चे को अपना 11th 12th करना है और अच्छा करना है, प्लस उसको IIT JEE भी करना है, तो उसको देखो पहला रास्ता उसका कहता है कि वो क्या कर ले, डमी स्कूल ले ले। क्या कर ले, डमी स्कूल ले ले 11th 12th में। लेकिन डमी स्कूल के साथ में कम तुमको ये भी करना पड़ेगा, देखो तुम IIT JEE के लिए तो कोचिंग जा रहे होगे, ये बिल्कुल क्लियर है, IIT JEE के लिए कोचिंग जा रहे होगे ये बिल्कुल तुम्हारा क्लियर है। लेकिन जो तुम्हारा स्कूल वाली पढ़ाई है जिसमें तुमको 11th 12th करना था, उसके लिए तुम्हारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो उसके लिए आप क्या है होम ट्यूशन को चूज करें, या फिर क्या करें किसी कोचिंग को चूज करें और कोशिश करें कि ये कोचिंग तुम्हारी क्या है ऑफलाइन हो। अगर ऑफलाइन नहीं हो पाती है तो फिर ऑनलाइन की तरफ क्या है आप जा सकते हो। तो डमी स्कूल तभी तुम्हारे लिए काम कर पाएगा जब तुम या तो साथ में 11th 12th के लिए होम ट्यूशन पढ़ रहे हो, या फिर तुम एक कोई कोचिंग ले रहे हो जो 11th 12th से रिलेटेड हो, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन चीज़ों को करवाया जा रहा हो। अब देखो दूसरा केस ये है कि आपने क्या कर रखा है, रेगुलर एडमिशन ले रखा है। अगर आपने रेगुलर एडमिशन ले रखा है तो इसमें फिर आप सिर्फ उन्हीं पीरियड्स के लिए जाइए जो आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं, उन्हीं पीरियड्स के लिए जाइए जहाँ पर तुमको कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाया जाने वाला है। अब लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर स्कूल तो पूरे दिन के लिए जाना पड़ता है, स्कूल पूरे दिन के लिए जाना पड़ता है, मैं मानता हूँ, एग्री कर रहा हूँ पूरे दिन के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन आप ये देखो कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन तुमको सबसे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ तुम लेने के लिए गए हो वो तुमको मिल रहा है, मीन्स जो तुम जैसे फिजिक्स की तुमको ज़रूरत है या केमिस्ट्री की या मैथ की है, क्या वो चीज़ जो तुम्हारी वीक है क्या वो तुम्हारी स्ट्रांग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उस दिन तुमको क्या जरूर जाना है। और कोशिश ये करना है कि स्कूल का जो ये पोर्शन है स्कूल से कवर हो, स्कूल का जो पोर्शन है जो तुम स्कूल ले रहे हो वो तुम्हारा वहाँ क्या कवर हो। अगर कवर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से वही चीज़ आती है कि अगर डेली स्कूल जाओगे, अगर तुम्हारा स्कूल रेगुलर होगा तो रेगुलर स्कूल में देखो टाइमिंग क्या होती है, ध्यान से देखना, रेगुलर स्कूल की जो टाइमिंग होती है वो वही रहती है लगभग 7:30 से 2:30, तो सुबह 7:30 तुम जाओगे और दोपहर में 2:30 छूटोगे, और फिर उसके बाद तुम्हारी क्या होगी IIT की कोचिंग होगी, और IIT कोचिंग की टाइमिंग जो रहती है वो वही रहती है 3 बजे से लेके 8 बजे तक, और कुछ जगह रहती है दोपहर में 4 बजे से लेके 9 बजे तक। अब देखो अगर ये टाइमिंग तुम्हारी है रेगुलर स्कूल के लिए, अब तुमने देखा यार IIT कोचिंग पढ़ते पढ़ते तुम्हारी 9 बज जाएंगे रात के, खाना वगैरह खाओ 10 बज जाएंगे, तो बेटा तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए तुमको पहली चीज़ तो स्कूल में कम जाना पड़ेगा, और उसके अलावा जो 11th 12th की चीज़ है उसके लिए फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन ही बचता है, वो होता है होम ट्यूशन वाला। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, होम ट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा
तभी तुम्हारी ये चीज़ें स्ट्रांग हो पाएंगी। अदरवाइज देखो, कोचिंग वाले तो ये कहते हैं कि भाई हम आई आई टी जे की तैयारी में 11-12 का ही पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा सच्चाई यही है कि वो ऐसा नहीं करते हैं। सच्चाई यही है, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर 1000 बच्चे बैठे हुए हैं बैच में, उसमें से मान के चलो 10-20 बच्चे, या मान लो ज़्यादा 100 बच्चे, मान लो चलो 100 बच्चे दे देते हैं, 100 बच्चे ही सब कुछ समझ पा रहे होंगे, बाकी सब तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है। लेकिन हमको आगे बढ़ना है, उन 100 बच्चों में आना है, पीछे थोड़ी जाना है। और अगर आगे आना तो भाई ये सारे काम करने पड़ेंगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में रहोगे। तो अब आप बताओ कि प्रॉब्लम में रहना चाहते हो या फिर आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हो। तो एवरीथिंग तुमको मैंने बताया, 10th के बाद आईडी कोचिंग किसको करनी है, और जो कर रहा है उसको 11-12 के साथ में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। और ये सब जानने के बाद तुमको क्लियर हो गया होगा कैसे क्या होगा। अब बेटा एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, आईआईटी जी कोचिंग में कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि घर जाके पढ़ेंगे। बेटा घर जाके नहीं पढ़ेंगे, क्लास में होना, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको वहीं का वहीं याद कर लो। घर जाके नहीं पढ़ेंगे ये दिमाग में डाल लो, जो पढ़ा रहे हैं वो वहीं याद करना है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो वहीं याद करना है, घर जाके सिर्फ रिवाइज करेंगे। अगर इस मेंटेलिटी पर रहोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तुम्हारा होगा। और अगर ये सोचोगे कि यार घर जाके कर लेंगे, अभी थक गए परेशान हो गए, तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल तुमको मैं सारी चीज़ समझाई, अगर कोई भी तुम्हारा डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि सारे के सारे वीडियो तुमको मिलते रहें। और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए मैंने तुम्हारी 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, बेसिक मैथमेटिक्स एंड दूसरी प्लेलिस्ट है आपकी हारे का सहारा। इन प्लेलिस्ट में जाकर तुम अपनी आईआईटी जे की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, सारे चीज़ें तुम्हारी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।